वेलकम अगेन दोस्तों, आज बात करेंगे एक टैबलेट की, मेगालिस टैबलेट के बारे में बात करते हैं। इस दवा के अंदर क्या कंपोजिशन होता है, कैसे काम करती है, क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, कितना इफेक्टिव है, क्या सावधानी लेना है, इसके बारे में लोग बात करेंगे। मेगालिस टैबलेट की बात करें तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में दी जाती है, ऐसे लोग जिनको इम्पोटेंसी है, नपुंसकता ऐसा बोल सकते हैं, उस कंडीशन में ये लिखी जाती है। 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम के डोज में आती है। अब इस दवा के अंदर होता है क्या, अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर होता है टडालाफिल। टडालाफिल नाम की दवा है। इसके तीन यूज होते हैं बेसिकली। एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब पुरुषों में दी जाती है पेनिस के टिश्यू को हार्ड करने के लिए, सख्त करने के लिए। और इसके अलावा ये पुरुषों में ही बीपीएच की समस्या होती है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हम लोग बोलते हैं, मतलब फेफड़े की जो आर्टरी है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो ये इसका तीन यूज है। पर जो प्रमुख यूज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, पुरुषों में दी जाती है अगर किसी का पेनिस सख्त हार्ड नहीं हो रहा है उस कंडीशन में। महिलाओं में इस दवा का, मेगालिस टैबलेट का कोई यूज नहीं होता है, सबसे पहले आप ये जानें। और ये भी जानें कि ये दवा से टाइमिंग नहीं बढ़ती, मतलब सेक्स का ड्यूरेशन नहीं बढ़ता, सिर्फ ये जो पिनाइल टिश्यू होता है उसको हार्ड करने के लिए, सख्त करने के लिए ये टैबलेट हेल्पफुल होती है, बस इतना आप समझें। कैसे काम करती है टडालाफिल, तो टडालाफिल हम लोग इसको बोलते हैं PDE5 इनहिबिटर, फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर। क्या करती है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको डायलेट कर देती है। तो पेनिस के अंदर ब्लड वेसल्स काफ़ी होती हैं, उसको डायलेट करने से वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के आप आसान भाषा में समझें कि ये दवा लेने से मेगालिस पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो डायलेट करने वाला कंपाउंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं CGMP, ये इसके डिग्रेडेशन को ये दवा रोक देती है बेसिकली, वेसोडायलेटर ऐसा बोल सकते हैं। ब्लड फ्लो पेनिस में बढ़ने की वजह से जो पिनाइल टिश्यू है वो सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये चूंकि वेसोडायलेटर है इसलिए इसके जो साइड इफेक्ट भी शरीर के दूसरे हिस्सों में देखने को मिलते हैं वो इसकी प्रॉपर्टी की वजह से ही आते हैं। आपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जैसे कि वियाग्रा सुना होगा, उसमें होता है सिल्डेनाफिल। अब सिल्डेनाफिल को थोड़ा सा और अपडेट किया तो नेक्स्ट जनरेशन की दवा टडालाफिल हो गई। जैसे आप ये समझे कि हमारा फोन रहता है, एक फोन आया 2-3 साल बाद वो अपग्रेड हो गया, जिसको हम लोग प्रो वर्जन बोल सकते हैं, इस तरीके से ऐसे ही सिल्डेनाफिल है, उसका फिर अपडेटेड वर्जन है, उसी सेम दवा का टडालाफिल है और उसका थोड़ा सा और अपडेटेड वर्जन अवानाफिल भी आती है आजकल। तो कहने की ये दवा तीनों एक जैसे काम करती, एक जैसे साइड इफेक्ट है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है इनके एब्जॉर्प्शन को लेके, इनके टाइमिंग को लेके और थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट को लेके। बहरहाल मेगालिस टेबलेट पे ही रहते हैं। इसकी बात करें तो ये दवा की डोज की बात करें तो ये जो दवाई है, दिन में पहले तो आप समझें कि सिर्फ एक ही बार लेनी है, दो बार आप टैबलेट ले सकते हैं। और इसको लो डोज से स्टार्ट करें बेहतर रहता है, जैसे कि 10 मिलीग्राम है, 20 मिलीग्राम है, तो आप 10 मिलीग्राम से स्टार्ट करना चाहिए और 5 मिलीग्राम से भी कर सकते हैं। 5 मिलीग्राम का भी डोज होता है, जो 20 मिलीग्राम की टैबलेट है वो मैक्सिमम है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जिनको 5 मिलीग्राम वाली टैबलेट से ही काम हो जाए, फायदा हो जाए, क्योंकि ज्यादा डोज लेने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, बल्कि आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप ज्यादा डोज में ज्यादा दिन तक लेंगे तो एक तो ये देखेंगे कि दवा काम करना बंद कर देगी, ऐसा नहीं है कि ये दवा जीवन भर काम करेगी। इस तरह की जो भी दवाइयां होती हैं टडालाफिल या सिल्डेनाफिल, जैसे कि वियाग्रा, विगोर और ये सब, लगातार यूज करने से ये दवा काम करना बंद कर देती है, इफेक्टिवनेस खो देती है, इसलिए ये दवाई बहुत सावधानी से लेना रहता है। और सेम चीज इस मेगालिस टैबलेट के साथ भी होता है। अब इसको कैसे लेना है, खाली पेट की खाना खाने के साथ, तो ये एक ऐसी दवा है मेगाले, जिसको आप खाली पेट भी लेंगे तो भी काम करेगी और खाना खाने के साथ लेंगे तो भी काम करेगी। जबकि जिसमें सिल्डेनाफिल होता है उसको खाली पेट लेना रहता है, खाने के साथ वो एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन ये दवा हो जाती है। कब खाना, अगर इसकी बात करें तो जब भी आप सेक्स करने जा रहे हैं उसके 30 से लेके 1 घंटे पहले, क्योंकि ये जब दवा आप खाओगे तब ये पेट में जाएगी, वहां से एब्जॉर्ब होगी, फिर ब्लड में जाएगी, ब्लड से पेनिस के टिश्यू में जाएगी, तब जाके काम करेगी। तो कहने का मतलब है कि ये दवा का असर आने में लगभग 30 मिनट से लेके 1 घंटे आ सकता है, एवरेज 45 मिनट का है। और कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि इसका असर और थोड़ा डिले हो, 2 घंटे बाद भी आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि सारे लोगों में इसका असर ना है, ये भी आप जानें कि ये दवा सब में इफेक्टिव नहीं होती है ना, ज़्यादातर मरीजों में होती है, लगभग इसकी 80% तक इसकी एफिकेसी है, मतलब 100 में 20% लोगों में काम नहीं करेगी।
और इसका असर थोड़ा लंबे दिन तक रहता है। जो इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये दवा लगभग 3 डेज तक काम करती है, 36 आवर तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो लोग कभी कभी लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि फ्राइडे को लिया तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन एक ही टेबलेट से काम हो गया, तो ये जरूरी है। कुछ लोग जो कंटिन्यू लेते हैं इस दवा को, सप्ताह में 2 बार ही देने की सलाह होती है। बेसिकली जो टेडालाफिल टेबलेट है, इसका अलग अलग तरह से इसका यूज रहता है, इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। कंटिन्यूअस भी टेबलेट दी जाती है और कभी कभी भी सिंगल, बेसिकली इंटरमीडिएट ले सकते हैं जब जरूरत हो तो। तो ये एक जरूरी बात है इस मेगालिस टैबलेट के बारे में। और एक चीज़ ये भी समझे कि ये दवा अगर आप बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह ले लें, क्योंकि ये दवा से काफ़ी तरह के साइड इफेक्ट भी आते हैं, तो ये एक ज़रूरी बात है। बहरहाल आप साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं कि अगर ये आप दवा लेते हो तो क्या नुकसान हो सकता है। दवा कभी कभी लेने से, कम डोज लेने में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन आप फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं और ज़्यादा डोज में, स्पेशली 20 मिलीग्राम वाली ले रहे हैं, तो काफ़ी तरह के साइड इफेक्ट आ जाते हैं। और साइड इफेक्ट इसके जो वेसोडाइलेशन करती है, जो शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स को चौड़ी करती है, डायलेट करती है, उसकी वजह से होता है। तो मेन साइड इफेक्ट आता है कि फ्लसिंग होना, मतलब चेहरे के आसपास, गले के आसपास गर्म सा, गर्माहट सा फील होना, खुजली सा फील होना या भारी सा हो जाना। इसके अलावा सिर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, हाथ पाँव में दर्द होना, माइल्जिया हम लोग बोलते हैं, ये बहुत सारे लोगों में होता है, 2-10% लोगों में हो सकता है। और एक साइड इफेक्ट होता है इसमें कि जो आंखें हैं, मतलब धुंधला दिखाई देना और ब्लू विजन बोलना, मतलब जो आपकी विजन है वो नीली हो सकती है, ऐसा 7-10% लोगों को हो सकता है, और सडन लॉस भी हो जाता है कभी कभी। तो ये भी एक जरूरी साइड इफेक्ट है जो जानना चाहिए। नाक का बंद हो जाना, स्टफी नोज बोलते हैं, इसके अलावा चक्कर आना, एसिडिटी होना, इंडाइजेशन हो जाना, पेनफुल इरेक्शन होना। अब ये दवा 3 दिन तक काम करती है, तो हो सकता है कि आपने दवा खाई, पिनाइल इरेक्शन हुआ और वो अब कंटिन्यू हो रहा है, तो ये एक समस्या हो सकती है। तो अगर 6 घंटे से ज़्यादा रहता है तो फिर आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी। तो ये पिनाइल टिश्यू को ख़राब भी कर सकती है, कहने का मतलब है नाक से खून आना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना। अब ब्लड प्रेशर का कम होना एक बहुत सीरियस बात है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनको हार्ट की समस्या होगी और ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ जैसे कि नाइट्रेट चलती है, नाइट्रोग्लिसरीन है या आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है, इस तरह की दवाइयाँ हैं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये भी ब्लड प्रेशर कैसे कम करती हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके। तो चूंकि ये दवा भी इसी तरीके से काम करती है, इसलिए सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो ये मेगालिस टेबलेट अगर आप ले रहे हैं या किसी ने लिखा है दिया है, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम वाले लोग या ऐसे लोग जो नाइट्रेट वाली दवा खा रहे हैं, वो इस दवा को जरूर अवॉइड करें। साथ में अल्कोहल नहीं पीना है, क्योंकि अल्कोहल पीने से दवा का असर कम हो जाता है और बीपी भी कम होने की समस्या रहती है। और ऐसे लोग जिनको हार्ट की समस्या, स्पेशली रिसेंट में हार्ट अटैक आया हो, लकवा मार गया हो, उनको दवा नहीं लेना है। सीवियर लीवर प्रॉब्लम है तब दवा नहीं लेना है, एलर्जी हो तब दवा नहीं लेना है। तो ये मेगालिस टैबलेट कब नहीं ले उसके बारे में जानकारी है। कीमत की बात करें तो ये दवा आपको 50 रुपये की एक टैबलेट पड़ती है, मतलब काफ़ी महंगी टैबलेट है। तो सोच समझ के डॉक्टरी सलाह से आपको ज़रूरत है भी कि नहीं ये सब देख लें, क्योंकि ये दवा से ना तो टाइमिंग बढ़ती है, इनफर्टिलिटी मतलब कि स्पर्म काउंट वगैरह नहीं बढ़ाती, टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ाती, सिर्फ इसका इतना काम रहता है कि पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो करने से जो इरेक्शन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है ज़्यादातर लोगों की। इससे संबंधित और अगर कुछ क्वेश्चन ले लूँ तो एक तो डोज के बारे में है, तो डोज आपको मिनिमम डोज से स्टार्ट करना है, दिन के 5 मिलीग्राम, 10 या 20 मिलीग्राम, और दिन में सिर्फ एक बार लेना है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। क्या दवा महिलाओं में काम करती है? महिलाओं में यह दवा किसी काम की नहीं है, इसका कोई उसमें यूज नहीं है, इससे कोई उनको बेनिफिट नहीं होता है। हाँ, नुकसान ज़रूर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन तो ये टाइमिंग ड्यूरेशन से रहता है कि ये दवा से कितना टाइमिंग ड्यूरेशन स्टेमिना बढ़ता है, तो टाइमिंग का इस दवा से कोई लेना देना नहीं है। टाइमिंग के लिए दूसरी दवा आती है, वो ज़रूर हो सकता है कि आपको मेगालिस डी नाम से मिल जाए। एक दवा आती है डिपॉक्सटिन, अब ये डिपॉक्सटिन ड्यूरेशन बढ़ाती है, तो ऐसा हो सकता है कि मेगालिस डी नाम की जो दवा है उसमें आपको टेडालाफिल के साथ में डिपॉक्सटिन मिल जाए, तो इरेक्शन भी हो जाएगा और टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, तो ये एक जरूरी बात है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी रहता है, क्या ये दवा सब में काम करेगी? तो नहीं, सब में नहीं करती, ज़्यादातर लोगों में करती है। और क्या ये दवा सेफ है? तो अगर आप डॉक्टरी सलाह से लेंगे तो साइड इफेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, तो सेफ है। लेकिन अगर अपने मन से खाते रहेंगे ज़्यादा डोज में, बिना सोचे समझे, बिना अपने हेल्थ के कंडीशन को देखे, तो साइड इफेक्ट इसके सीरियस भी हो सकते हैं।
दवा कब खानी है, तो आपको 30 से 1 घंटे पहले लेनी है, जब जरूरत है उसके आप कम से कम 1 घंटे पहले खाएं, और असर इसका 3 दिन तक रहता है। तो ये इससे संबंधित कुछ जो जरूरी बातें मेगालिस टेबलेट्स बारे में वो मैंने बता दी है। उम्मीद है इस दवा से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। थैंक यू।